हेलो एवरी वन विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक ऑफ़ आर जी एस टी सीरीज टूडे दैट इज़ जी एस टी काउंसिल जी एस टी काउंसिल क्या होती है कॉम्पोजिशन क्या होता है मैनर ऑफ़ डिसीजन क्या होता है फंक्शन क्या होते हैं ये सब आज पढ़ेंगे हम और इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन लेट्स गेट स्टार्ट तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए में जी एस टी काउंसिल का जिक्र था अब इसमें सर हम डिटेल में चर्चा करते हैं तो इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट शैल बाई ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट अ काउंसिल कॉल्ड द जी एस टी काउंसिल तो जब एक्ट बन रहा था ना जी एस टी का तो उसमें आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए में ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है प्रेसिडेंट को अपने ऑर्डर से काउंसिल बनानी है जी एस टी काउंसिल के नाम से ठीक है तो प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स यूज करते ये काउंसिल बनाई थी किस दिन पंद्रह सेप्टेम्बर दो हज़ार सोलह ठीक है पंद्रह सेप्टेम्बर दो हज़ार सोलह लागू कब से हुआ है फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड से ठीक है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है ना जीएसटी का तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है आप पहले डिस्क्रिप्शन वाले दोनों पार्ट्स देख लीजिएगा ठीक है तो आपको पीछे की सारे जो टाइमलाइन है ना वो पूरी क्लियर हो जाएगी हु? तो फिफ्टीन सेप्टेम्बर टू को हमारी जी काउंसिल बन के तैयार थी अच्छा इसमें मेम्बर्स कौन कौन से होते हैं सबसे पहला जो मेन मेम्बर होता है वो होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मतलब कैबिनेट का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो होता है इसका चेयर पर्सन ठीक है मेन चेयर पर्सन जीएसटी काउंसिल का कौन होता है फाइनेंस मिनिस्टर अभी प्रेजेंटली हम लोग के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है निर्मला सीतारमन जी हैं तो अभी चेयर पर्सन जीएसटी काउंसिल की कौन है वही है निर्मला सीतारमन जी हम लोगों की चेयरपर्सन है और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं जैसे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते रहेंगे जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वही जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होगा नेक्स्ट कौन मेंबर होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट सॉरी नॉट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू मतलब जो पर्टिकुलर स्टेट्स के मिनिस्टर्स होते हैं ना फाइनेंस या रेवेन्यू के लिए वो होते हैं हर स्टेट के ठीक है हर पर्टिकुलर स्टेट का एक एक मेंबर होगा एंड लास्टली द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने अगर किसी और को नॉमिनेट किया है जो कि फाइनेंस या टैक्सेशन से रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री देख रहा है तो वो भी इसका मेम्बर होता है हुँ? ये बात है जी काउंसिल के कॉम्पोजिशन होता कौन कौन है मेनली आपको इतना पता होना चाहिए बस चेयर पर्सन कौन होता है जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है कंट्री का वो सेकंड कौन होते हैं जो स्टेट्स के रेवेन्यू रेवेन्यू या फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं ठीक है थीके? दूसरी मेन चीज़ क्या है आर्टिकल टू ए में जी काउंसिल की बात की गई है और जी काउंसिल कब बनी है पंद्रह सेप्टेम्बर दो ये थे मेन मेन हाईलाइट्स नेक्स्ट आते हैं हम मैने मैनर ऑफ़ डिसीजन बाय द जीएसटी काउंसिल अच्छा जीएसटी काउंसिल बनी है तो जाहिर सी बात है कि जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं काउंसिल को अब डिसीजन कैसे लेगी वोटिंग के बेसिस पे मोस्टली डिसीजंस लिए जाते हैं अच्छा सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कोरम कोरम का मतलब क्या होता है देखो देखिए मान लीजिए आपके क्लास में या आप मान लो स्कूल का एग्जाम्पल लें स्कूल का कॉलेज का कहीं भी ले लो मान लो कोई डिसीजन लेना है आपको आपसे प्रिंसिपल ने पूछा स्कूल के प्रिंसिपल ने पूछा पूरे क्लास के स्टूडेंट से कि कोई स्पेसिफ़िक टीचर है आपको उसकी पढ़ाना नहीं समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से तो ये पूछा गया कि क्या इस टीचर को कंटिन्यू करें या इसको निकाल देना चाहिए और आप लोगों से वोटिंग करवाई जा रही है ठीक अब मान लेते हैं कि क्लास की स्ट्रेंथ थी हंड्रेड स्टूडेंट्स की हंड्रेड स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ में जिस दिन ये वोटिंग हुई उस दिन दस बच्चे ही आए थे तो नब्बे बच्चे जब आए ही नहीं तो क्या दस बच्चों की वोटिंग को हम कंसिडर कर लेंगे बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि इन सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएंगे ना फिर ऐसी वोटिंग के तो कोरम क्या होता है कोरम का मतलब होता है कि एटलीस्ट इतने लोग तो मीटिंग में होने ही चाहिए तभी हम उस मीटिंग को वैलिड करार मानेंगे नहीं तो हम उस मीटिंग को कंसिडर ही नहीं करेंगे नलन एन वॉइड मान लेंगे ठीक है तो जीएसटी काउंसिल का कोरम कितना है फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल मतलब अगर टोटल जीएसटी काउंसिल में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल तीस मेंबर्स हैं तो तीस मेंबर्स का फिफ्टी परसेंट कितना होगा फिफ्टीन मेंबर्स कम से कम पंद्रह लोग प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के दिन तभी हम उस मीटिंग को वैलिड करार मतलब वैलिड मानेंगे अन्यथा हम उसे वॉइड मान लेंगे इज दैट क्लियर नेक्स्ट अब चलो मान लेते हैं फिफ्टीन मेंबर्स थे अब क्या करेंगे वोटिंग करेंगे फिफ्टीन और मोर देन फिफ्टीन अब ज़्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है जितने हों थर्टी पूरे पूरे भी हों तो और अच्छी बात है नेक्स्ट डिसीजन कैसे लेते हैं एवरी डिसीजन ऑफ द जी एस टी काउंसिल शाल बी टेकन बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन थ्री फोर्थ ऑफ द वोट्स मतलब तीन चौथाई वोट्स मतलब कि पचहत्तर परसेंट वोट हाँ में होंगे अगर किसी के तभी उस डिसीजन को कंसिडर किया जाएगा ठीक है ऐसा नहीं है कि अगर मान लो तीस में से आपके ट्वेंटी मेंबर्स अवेलेबल थे ठीक है ट्वेंटी मेंबर्स अवेलेबल थे और ग्यारह लोगों ने एक डिसीजन बोल दिया तो आप बोल सकते हैं ना कि मेजॉरिटी तो हो गई मेजॉरिटी तो होगी नहीं पचास परसेंट के ऊपर लोग हो गए ग्यारह लोगों ने बोल दिया लेकिन हम उसे नहीं कंसिडर करेंगे कम से कम तीन चौथाई मतलब पचहत्तर लोगों ने अगर हामी भरी है तभी उस डिसीजन को माना जाता है ठीक अच्छा अब वेट की बात करते हैं कि, कि किसके वोट का कितना वेटेज होता है तो अभी मैंने बताया था कि चेयर पर्सन कौन होता है फाइनेंस मिनिस्टर और इनके वोट का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है कितना वन बाय थर्ड ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यही यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके वोट की कितनी वेटेज होती है वेट ऑफ वन थर्ड ऑफ द टोटल वोट्स मतलब थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट का वेटेज सिर्फ निर्मला सीतारमन जी के वोट से ही आ जाएगा ठीक है हंड्रेड परसेंट में तैतीस तैतीस परसेंट का लगभग इन्हीं अगर इन्होंने हाँ बोल दिया तो थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट वोट वेट तो ऐसे ही मिल गया ठीक सेंट्रल सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होती है जो बचे कुछ टू थर्ड वोट्स हैं उसमें सारे स्टेट्स मिला के तो अगर अट्ठाईस स्टेट्स हैं आपके ठीक है और एक वोट हम मान लेते हैं अगर निर्मला सीतारामन जी का यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का है टोटल ट्वेंटी नाइन वोट्स हैं थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट वोट तो इन्हीं का हो गया सीधे सीधे ठीक और दूसरी चीज़ अगर लॉजिकली सोचें क्योंकि अभी सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी से ही फिर निर्मला सीतारामन जी अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ पे वोट कर रही हैं तो जिन जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट होगी इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि वो उस वोटिंग में हाँ ही बोलेगी ठीक है तो इसीलिए अभी तक क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चेंज हुई है जब से जीएसटी आया है तो जीएसटी काउंसिल में वोटिंग की ज़रूरत आज सच पड़ी नहीं क्यों क्योंकि हमेशा मेजॉरिटी बीजेपी की रही है स्टेट्स में भी तो और थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट वोट जब चेयरपर्सन के पास ही है और स्टेट्स में भी अगर मेजॉरिटी बीजेपी की हो जा रही है तो बहुत ईजीली इनको तीन चौथाई वोट्स मिल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ठीक है बट इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन लेने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए कोरम कोरम कितना है पचास परसेंट कोरम का मतलब कम से कम इतने लोग प्रेजेंट रहेंगे तब हम उस मीटिंग को वैलिड मानेंगे नहीं तो हम उस मीटिंग को वैलिड नहीं मानेंगे वॉइड मान लेंगे ठीक है और सेकंड अगर मेरा कोरम कंप्लीट हो गया है तो फिर हम देखेंगे कि अगर तीन चौथाई वोट्स मतलब पचहत्तर परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट की वोटिंग आई है तब किसी डिसीजन को मंजूरी मिलेगी ठीक और वोट का वेटेज कितना होता है जो चेयरपर्सन होगा या, या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा उसके वेट का वन बाय थ्री वन थर्ड वेटेज होता है और बाकी सबके वोट्स का मिला के टू थर्ड का वेटेज होता है ठीक आगे आते हैं जरा फंक्शन ऑफ द जी एस टी काउंसिल की जीएसटी काउंसिल को करना क्या होता है आखिर तो इनको डिसीजन लेने होते हैं रिकमेंडेशन देनी होती है किन चीजों पर वो देखते हैं आइए सबसे पहले क्या है द जी एस टी काउंसिल कैन मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट ऑन अब देखो इससे एक चीज क्लियर हो गई रिकमेंडेशन दे रहे हैं ऑर्डर नहीं कर सकते ठीक है सेंटर और स्टेट दोनों को ही यूनियन या स्टेट दोनों को ही ये रिकमेंडेशंस दे सकते हैं ऑर्डर नहीं कर सकते तो यूनियन और स्टेट चाहें तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन माने अगर ये चाहें तो ना माने ठीक है ये एडवाइजरी पावर है बस ठीक है एडवाइजरी पावर है रिकमेंडेशन कर सकते हैं ये इनकी अथॉरिटी अथॉरिटेटिव पावर नहीं है कोई कि हम अथॉरिटी दे रहे हैं और यही होगा हुँ? अब किस किस चीज़ पे रिकमेंडेशन दे सकते हैं वो देखते हैं द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड टू और एग्जेप्टेड ठीक है सब्जेक्टेड टू टैक्स सब्जेक्टेड टू टैक्स और एग्जेम्प्टेड मतलब किस किस चीज़ पर टैक्स लगेगा कौन कौन सी चीज़ें एग्जेम्टेड होंगी नेक्स्ट क्या है द डेट ऑन विच जी एस टी शैल बी लिवाइड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अभी तक जी एस टी नहीं लगता लेकिन जी एस टी काउंसिल चाहे तो वो डेट डिसाइड कर सकती है कि इस दिन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जी एस टी लगेगा आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले देख लीजिएगा उसमें पेट्रोलियम के सारे प्रोडक्ट्स की बात की गई है नेक्स्ट आते हैं थ्रेश होल्ड लिमिट ऑफ टर्न ओवर बिलो विच द गुड्स एंड सर्विसेज मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जी एस टी देखो अभी हम आगे के धीरे धीरे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि अगर आपको जी एस टी में रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए एक एग्रीगेट टर्न ओवर की लिमिट दी है कि अगर आपकी इतनी सेल्स हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है या एक कोई स्कीम ली है आपने कॉम्पोजिशन स्कीम वगैरह होती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे तो वो स्कीम आपने ली है तो आपका टर्न इतने तक है तभी आप वो स्कीम ले सकते हैं नहीं तो नहीं ले सकते तो वो जो टर्न की लिमिट होती है ना सेल्स की लिमिट होती है वो भी जी एस काउंसिल चाहे तो चेंज करने का रिकमेंडेशन दे सकती है और भी कोई अगर मैटर हो जी से रिलेटेड तो वो यूनियन या स्टेट को रिकमेंड कर सकती है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या है डिस्प्यूट रिजॉल्वमेंट के लिए डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है किसके किसके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट्स कि मतलब इधर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और इधर स्टेट स्टेट और सेंटर में लड़ाई होगी देखो ज़ाहिर सी बात है ना स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में सॉरी स्टेट गवर्नमेंट में किसी और की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और की सरकार है तो थोड़ा नॉर्मल है कि दोनों में कुछ बहस हो गई ये कुछ और चाह रहे हैं ये कुछ और चाह रहे हैं तो वो सुलह कराने के लिए आर्बिट्रेशन के लिए जीएसटी काउंसिल वर्क करती है ठीक है डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए दूसरी लड़ाई किसमें हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन ऑन दी अदर साइड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट्स यहाँ पे हैं और कुछ स्टेट्स दूसरे हाथ पे हैं ठीक है अट्ठाईस स्टेट्स हैं कुछ इधर हैं कुछ इधर है हुँ। तो ऐसी भी लड़ाई सॉल्व करवाती है या फिर कोई लड़ाई हो गई बिटवीन टू और मोर स्टेट्स कि स्टेट स्टेट आपस में लड़ ली है सेंटर का कोई रोल नहीं है ठीक है बात समझ में आई कहने का मतलब स्टेट या स्टेट आपस में लड़ें यूनियन या स्टेट आपस में लड़ें यूनियन और स्टेट एक तरफ हो दूसरी तरफ दूसरी स्टेट्स हो किसी भी तरह की कोई भी यूनियन और स्टेट की लड़ाई होगी बेसिकली तो आर्बिट्रेशन का, का काम जीएसटी काउंसिल का होता है दूसरा काम कौन सा होता है जो हमने ऊपर पढ़ा जीएसटी से रिलेटेड कोई भी रूल्स बनाने के रिकमेंडेशन दे सकती है यूनियन और स्टेट को रिकमेंडेशन पे फोकस करना है बार बार क्यों क्योंकि ये इनकी फाइनल अथॉरिटी नहीं होती बस रिकमेंड कर सकते हैं एडवाइस कर सकते हैं मानना ना मानना स्टेट और सेंटर पे डिपेंड करता है ठीक है मैनर ऑफ डिसीजन हमने देख लिया था कोरम फिफ्टी परसेंट होता है वोटिंग के लिए हमें थ्री बाई फोर वोट चाहिए होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के पास वन बाय थ्री वोटिंग के वेटेज होता है मतलब थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट मतलब टू थर्ड का वेटेज होता है और आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए में जीएसटी काउंसिल का जिक्र हुआ है पंद्रह सितंबर दो हज़ार सोलह को जीएसटी काउंसिल बन गई थी प्रेसिडेंट के कहने पे और ये इसका कॉम्पोजिशन होता है बस इतनी सी बात थी जीएसटी काउंसिल की बहुत छोटा सा टॉपिक था अगर कोई डाउट हो इसमें अभी भी तो कॉमेंट करके बताइएगा अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वो भी कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच